बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ग्रीन जॉब्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानिब से शानदार नई वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जिसमें आप ऑल पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ कि इन वैकेंसीज में आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए और साथ ही साथ इनमें अप्लाई कैसे करना है। तो वीडियो को कम्प्लीट वॉच किया करें ताकि आपको सही से तमाम चीज़ें समझ में आ जाएँ। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करो, देन सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। इसका यही फायदा होगा कि मैं जैसे ही नौकरी की वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास बिल्कुल फ्री में पहुंच जाएगा। सबसे पहले इनकी जो डिटेल्स हैं उनको जानने के लिए हमें सबसे पहले इनकी जो ऑफिशियल ऐड उसको रीड करना पड़ेगा, और ऐड को रीड करने के लिए हमें यहां पर गूगल पर आना है। गूगल पर टाइप करना है ग्रीन जॉब्स 9, ठीक है। सिंपल आपने ग्रीन जॉब्स 9 टाइप करना है, सर्च करना है, और ये जो फर्स्ट वाली वेबसाइट है greenjobs9.com आपने इसको ओपन कर लेना है। इस वेबसाइट पर आपको इन जॉब्स की भी तफसीलात मिलेंगी और साथ ही साथ आपको मजीद जितनी भी पाकिस्तान में जॉब्स आई हुई हैं उनकी भी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर जो पोस्ट हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जॉब्स 2021, आपने इस पर क्लिक करके इस पोस्ट को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद सिंपल आपने नीचे की जानिब से स्क्रॉल ऑन कर लेना है। लेटेस्ट अपडेट 6 सितंबर है, लास्ट डेट 19 सितंबर है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ये वैकेंसीज है। लोकेशन की बात की जाए तो पाकिस्तान भर से आप अप्लाई कर सकते हो, प्राइमरी वाले, मैट्रिक वाले और बैचलर वाले इनमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर देखें इनकी डिटेल्स लिखी हुई हैं। सबसे पहले असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके बाद एलडीसी की, उसके बाद ड्राइवर की, उसके बाद नायब कासद की, उसके बाद माली और उसके बाद सैनिटरी वर्कर्स की वैकेंसीज अवेलेबल हैं। बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। सो बहुत ही सिंपल से तरीकेकार है, जस्ट आपको अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवानी है इनके दिए हुए एड्रेस पर। एड्रेस कौन सा है वो भी दिखाता हूँ, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स आपने साथ में लाजमी से अटैच करने हैं। उसके अलावा नीचे आ जाते हैं तो सिंपली इनकी जो ऑफिशियल एड, इस पर एड्रेस भी मैंशन किया गया है, ठीक है। वजारत दिफा की यहाँ पर आप देख सकते हो एडवर्टाइजमेंट अवेलेबल है, जिसमें बताया गया कि किस पोस्ट के लिए क्या बेसिक पे स्केल है। इसमें ओपन मेरिट पर भी वैकेंसीज हैं, सिंध के लिए भी वैकेंसीज हैं, बलोचिस्तान के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं, खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी वैकेंसीज अवेलेबल हैं। सो लास्ट में आपको देखें दरख्वास्त का तरीकाकार यहाँ पर लिखा हुआ है कि तमाम दरख्वास्त इश्तहार की इशात के 15 यौम के अंदर जो है पोस्ट बॉक्स नंबर, ठीक है, GPO रावलपिंडी को जो है वो पहुँच जानी चाहिए। उसके अलावा मुकर्रा तारीख के बाद मौसूल होने वाली दरख्वास्तों पर अमल दरामद नहीं किया जाएगा, और इनके साथ जो है वो आपकी तालीम इसनाद की नकूल होनी चाहिए, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल और एक अदद पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर भी लाजमी से अरसाल करनी है। मज़ीद कोई चीज़ पूछी हो तो कॉमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।